हेलो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सबसे बड़ी खबर पेपर के माध्यमों से बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सेवन्थ फेज बहाली से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षा और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या न्यूज़ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि BPSC विज्ञापन अपना 18 मई को लाने की उम्मीद में थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो BPSC ने पेपर के माध्यम से जो न्यूज़ दी है वो देखिए किस तरीके का है। ये जो आप पेपर में देख सकते हैं कि ये दैनिक भास्कर में न्यूज़ छपी है और ये 19 मई 2023 का है पटना से। तो जो इसमें मुख्य बिंदु है वो इस तरीके का है कि जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा और नवंबर में रिजल्ट और दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। तो एक बात तो क्लियर है कि BPSC जो आवेदन लेगी वो जून महीने से लेगी और 15 से 30 अगस्त के बीच में होगी इसकी परीक्षा और नवंबर में रिजल्ट दे दिया जाएगा और दिसंबर में सभी शिक्षक होंगे स्कूल में। अगली न्यूज़ की तरफ हम देखते हैं कि 1,70,000 जो शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता उम्र व पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और बार विमर्श करेगी BPSC। तो देखिए BPSC जो है वो कोई भी अपना गलती नहीं लेना चाहती अपने ऊपर, और इसीलिए शिक्षा विभाग से एक बार और विचार विमर्श करने के लिए कहा है उसने। जो अगला न्यूज़ है आप ये देखिए कि BPSC में नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं थे शिक्षा विभाग। जो BPSC ने नेगेटिव मार्किंग की है उसके पक्ष में जो शिक्षा विभाग थी वो नहीं थी। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा में मिल सकती है छूट। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से शिक्षक हैं बने हुए, उनको इस परीक्षा में छूट मिल सकती है। अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन मिल सकती है। कक्षा 6 से 8 में नहीं आएगी वैकेंसी। जो मिडिल स्कूल है कक्षा 6 से 8 उसमें वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। एक बात और देखिए कि जो आयोग वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग में भेजे हैं फिर विज्ञप्ति जारी होगी। तो इसमें जो आयोग ने भेजे थे वो कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के लिए भेजे थे, लेकिन कक्षा 6 से 8 में कोई भी सीट का उन्होंने जिक्र नहीं किया था BPSC ने, और अब कह रहे हैं कि उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। मामला साफ है कि कक्षा 6 से 8 में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा नए शिक्षकों की, अलग से वैकेंसी उनके लिए नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो कक्षा 1 से 5 की जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं कि 79,943 है सीटों के लिए है, और कक्षा 9 से 10 के 10 में 32,916 और कक्षा 11 व 12 में 57,602। तो जो सबसे ज़्यादा रिक्त पद है वो कक्षा 1 से 5 में है, और जो सबसे अभी कम दिख रहा है और ना के बराबर वो कक्षा 6 से 8 के बीच में है। तो आप ये देखिए कि इसमें आगे और क्या है कि कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी की जाएगी। ऐसा इसलिए है कि BPSC शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को की शैक्षणिक योग्यता उम्र सीमा व परीक्षा पैटर्न शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करेगा। उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप BPSC फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा, इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। मतलब अभी भी विज्ञप्ति आने में अभी समय लगेगा। BPSC शिक्षा विभाग से एक बार और विचार विमर्श कर लेना चाहती है।
कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट, देखिए कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का जो प्रश्न होगा वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा, और कक्षा 9 से 10 के शिक्षक होंगे उनके स्नातक, और कक्षा 11 से 12 का प्रश्न स्नातकोत्तर स्तर का होगा, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एग्ज़ाम लेने की बात कही है और क्या स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पे प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी को TET या CTET पास होना अब अनिवार्य होगा, जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के शिक्षक पद के लिए STT उत्तीर्ण होना जरूरी होगी। तो कक्षा 1 से 5 के लिए TET या CTET होना अनिवार्य होगा फॉर्म भरने के लिए, और जो 9 से 10 और 10 से 12 के जो टीचर बनेंगे उनके लिए STET होना और BTET होना ज़रूरी है। स्कूल में उन विषयों की ही वैकेंसी होगी जिस विषय की 2019 के बाद STT हो चुकी है। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच परीक्षा होगी। रिजल्ट नवंबर के अंतिम में जारी होगी और दिसंबर के अंत तक चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। तो आप यहाँ देखिए कि इसमें एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड की बात कही गई है कि किस लेवल का एग्ज़ाम लिया जाएगा कौन से कक्षा के टीचर के लिए। देखिए एक और जो बिंदु है यहाँ पे, BPSC नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। तो आप यहाँ पे देखिए BPSC की संयुक्त परीक्षा, संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए वैसा ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। अभी BPSC 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की रखने की पक्ष में था। तो BPSC कह रही है कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन रखे जाएंगे, जबकि शिक्षा विभाग कह रही है कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन रखे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। देखिए कि BPSC का कहना है कि 150 मार्क्स का 150 प्रश्न का होना चाहिए, और शिक्षा विभाग कह रही है कि 100 प्रश्न का होना चाहिए। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने पर अंतिम अधिकार BPSC को ही है। तो यहाँ पर जो अंतिम अधिकार, जो फाइनल इसका रूपरेखा तय करेगी, वो BPSC को दिया गया है पावर, शिक्षा विभाग को नहीं। आप देखिए कि महागठबंधन नियोजित शिक्षकों को परीक्षा में अंक मिल सकती है छूट, अंकों में मिल सकती है छूट। महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में समान अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंकों में छूट दे सकती है। उम्र और अनुभव की बात कही गई है कि एज और अनुभव, जो उनका एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उन पर छूट मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, कक्षा 6 से 8 तक में नहीं आएगी वैकेंसी। इसके पर सभी लोग तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं और लोगों को कंफ्यूजन है, लेकिन अभी तक BPSC बिल्कुल अपना रवैया दिखा चुकी है कि 6 to 8 में कोई भी वैकेंसी नहीं है। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 व 12 की वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1,745 पद रखा था। जिलों में इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्तियां भेजी थी।
कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक कई शिक्षक स्नातक हैं और 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने के बाद भी प्रोन्नति नहीं पा सके हैं। इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 6 से 8 हैं वो प्रमोशन से भरा जाएगा, ना कि ये 7th फेज की बहाली से। तो ये आप देख सकते हैं कि इन सब बातों की आज चर्चा की गई है अखबार के माध्यम से। तो ऐसे ही बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।